में मिला और उनसे एक बात मैंने ये भी कहा कि जिस तरह से लगातार मीडिया में रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने का ये बात आ रही है, उन्होंने पूरी तरह से इस बात का खंडन किया कि भारतीय रेल एक इतनी बड़ी संस्था है कि उसका कभी भी निजीकरण नहीं हो सकता। रेलवे की बेहतरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके साफ सफाई के लिए मुझे कुछ बाहर के लोगों का सहायता लेकर उनको बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, आज जो आसनसोल में ये पंजीकरण उद्घाटन समारोह हुआ है, हमारा संगठन रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार के लिए 1998 से लड़ाई लड़ते हैं। पिछली हमारी त्रिपक्षीय बैठक 23 मार्च 2021 को हुआ, उस बैठक में हमने रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किए थे एवं तमाम मांगों हमने इनसे संबंधित जो समस्याएं थी उनको मैंने उस बैठक में भारत सरकार के समक्ष रखा था। हमारी जो समस्याएं, हमारी जो मांग थी उसको भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्री, पूर्व आप श्रम मंत्री कह सकते हैं श्री संतोष गंगवार जी थे, और श्रम रोजगार मंत्रालय ने इस बात से पूरी सहमत जताई कि रेलवे मार्ग गोदाम के श्रमिकों का जो मांग है, उनकी जो पहचान, उनके लिए सही वेतन मान, उनको मेडिकल की सुविधा, तमाम सुविधा उनको मिलना चाहिए, उन्होंने इस बात से स्वीकार किया। और माने रेल मंत्रालय को उन्होंने कहा कि आपके अधिकार क्षेत्र में जो रेलवे मार्ग गोदाम के श्रमिकों की जो मांग है, इनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, इनके लिए रेट फिक्सेशन कर करके इनको सही वेतन मान इन तक पहुँचे, इनको भुखमरी दूर हो। तो उसमें मुझे जब ये इस श्रम पोर्टल श्रम रोजगार मंत्रालय ने देश के सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लॉन्च किया, उसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए भी अलग से स्पेशल बोर्ड बनाया ताकि पूरे दुनिया, पूरे भारत में रेलवे माल गोदाम के श्रमिक, अन्य इतने लोग काम करते हैं, उनका पूरा डाटाबेस इकट्ठा हो सके ताकि उन तक सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। आसनसोल के डिवीजन के अंतर्गत कुछ माल गोदाम का पंजीकरण हो चुका था, बाकी कुछ लोग छूटे हुए थे, आज उनका पुनः पंजीकरण उद्घाटन समारोह करके इन मजदूरों का पंजीकरण संपन्न करके अभी हमारी बैठक माननीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन महोदय के साथ हुआ। मैंने 6 जून के सभी माल गोदाम का विवरण उन तक पहुँचाया है कि इन सभी माल गोदाम में माल गोदाम के श्रमिकों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, इनके लिए मेडिकल सुविधा नहीं है। तो उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि मैं स्पेशल इसके लिए पैकेज फंड बना करके सभी महाप्रबंधक को भेज करके सभी रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए तमाम उसकी मूलभूत सुविधाएं, मेडिकल व्यवस्था करने का काम करेंगे। सबसे बड़ी हमारी मांग है कि मजदूरों का सही वेतन मांग उन तक पहुँचे, उसके लिए भारतीय रेल से हमारी लगातार बैठक में हमने मांग रखा है कि इनका एक रेट फिक्सेशन हो। जिस तरह से आपने पुली को 40 किलो वजन उठाने के लिए ए बी सी तीन कैटेगरी में स्टेशन को बांट करके 120 रुपया से 60 रुपया तक आपने रेट फिक्सेशन किया है। रेलवे माल गोदाम के श्रमिक भारतीय रेल का जो सबसे बड़ा आमदनी का जो जरिया है वो माल भाड़ा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये काम करते हैं। पूरे देश में माल लोड अनलोड कर करके पहुंचाने का, लगभग 20 लाख टन माल पूरे देश में पहुंचाने का जिम्मेवारी के कंधे पर, ये दिन रात चिलचिलाते धूप कड़कड़ाते ठंड में ये काम करते हैं, तो इनका भी रेट तय होना चाहिए। हम ये नहीं कहते सरकार से कि इनको भी 120 रुपया नहीं, लेकिन अगर 50 किलो वजन उठा कर करके सीमेंट का गर्दा खा कर करके इधर अपने जीवन का 10 साल ये गवा कर, अगर औसतन 60 साल अगर मनुष्य का आयु 70 साल है तो सीमेंट का गर्दा खा के, कोयला खरका खा करके इनके 10 साल आयु कम हुई। इतना हार्ड मास गलाने के बाद भी अगर इन मजदूरों को 1.5 रुपया 2 रुपया आज के 2022 में इतनी कम राशि इनको उपलब्ध होती जिससे कि ये अपना भोजन भी उपलब्ध नहीं कर पाते, अपने परिवार को नहीं पाल पाते, तो सरकार के साथ हमारी गुजारिश है कि इनको भी सही मजदूरी, कम से कम 50 किलो वजन उठाने का 20 रुपये प्रति 50 किलो तो तर हो, क्योंकि आज आम बात, सामान्य बात, यही मांग है। और इस मांग को लेकर हमारी, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस सरकार ने 160 साल में पहली बार रेलवे मार्ग गोदाम के श्रमिकों को पहचान और नाम देने का काम किया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो त्रिपक्षीय बैठक पुनः आदरणीय श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में रेल मंत्री महोदय जी के साथ होगी, तो नाम के साथ साथ इनको सही दाम भी मिलने का काम जरूर होगा। यही कब तक की संभावना है? पिछली हमारी आदरणीय भूपेंद्र यादव श्रम मंत्री जी से उनके आवास पर हमारा प्रतिनिधि मंडल श्री जगदम्बिका पाल
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ बैठक हुई थी, हमने त्रिपक्षीय बैठक करने के लिए उनको आवेदन दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर भी रेल मंत्री से बात करके आपका इसी महीने जो महीना चल रहा है इस महीने में मैं आपकी बैठक रेल मंत्री महोदय के साथ करूंगा, क्योंकि पिछले जो त्रिपक्षीय बैठक हुई उसमें श्रम मंत्रालय ने पूरी तरह से इस बात को स्वीकार किया है कि ट्रेड यूनियन जो हमारा भारतीय निर्माण श्रमिक संघ ये जो मांग रख रहे हैं ये पूरी तरह से जायज है, इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो हमारी जो अगली बैठक होगी वो रेल मंत्री के साथ होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि मजदूरों का तकदीर बदलने का वो ऐतिहासिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.